नमस्कार मित्रों, आज हम कायस्थ कुलभूषण राजा सीताराम राय जी के बारे में जानेंगे। राजा सीताराम राय करीब 300 साल पहले स्वर्गवासी हो गए थे, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य, उनकी उपलब्धियां आज भी अमर हैं, आज भी अमिट हैं। हमेशा एक कुशल शासक के रूप में उनकी प्रशंसा की गई है। राजा सीताराम राय ने क्षेत्र में शांति स्थापित की थी। उन्होंने मजबूती से चोर और लुटेरे समुद्री डाकुओं का सफाया किया था। उनके समय में लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। उन्होंने जगह जगह तालाब खुदवाए, कुएं खुदवाए, जिससे आम लोगों को पानी पीने की समस्या खत्म हुई। जिन स्थानों पर उन्होंने शासन किया उनमें अधिकांश राजा सीताराम के बनवाए हुए तालाब हैं, जो राजा के तालाब के नाम से जाने जाते हैं। ये खंडहर आप देख ही रहे हैं, ये राजा सीताराम राय का महल हुआ करता था कभी। राजा सीताराम राय औरंगजेब के मृत्यु के दौरान बंगाल के दक्षिणी हिस्से में उभरे। उनके पिता उदय नारायण मुगल शासन में तहसीलदार थे। उदय नारायण का विवाह वर्तमान वर्धमान जिले के कटोवा के मोहिपति गांव के कुलीन कायस्थ की बेटी दयामयी देवी से हुआ था। सीताराम राय का जन्म दयामयी के यहाँ हुआ था। सीताराम ने अपना बचपन मटियाल में बिताया और यहीं संस्कृत, बंगाली के साथ साथ उर्दू और फारसी की शिक्षा ली। राजा सीताराम राय की लिखावट बेहद खूबसूरत थी। उनकी सुंदर लिखावट के हस्ताक्षर उनके शासनकाल के विभिन्न दस्तावेजों में देखे जा सकते हैं। वे शरीर से भी काफी मजबूत थे। राजा प्रताप आदित्य रॉय 1599 में जयसोर क्षेत्र के एक स्वतंत्र राजा के रूप में उभरे और उन्होंने चोर डाकुओं के साथ साथ मुगलों को भी कई बार हराया था। ठीक इसी तरह इनके ठीक 100 साल बाद 1699 में राजा सीताराम राय ने स्वतंत्र राजा की तरह शासन किया। इन्होंने भी पुर्तगाली डाकुओं, चोरों, मुगलों से खूब लड़ा। औरंगजेब ने 1660 में मीर जुमला को बंगाल का सुहाद्र नियुक्त किया। नियुक्त होने के बाद उसने ढाका में बंगाल की राजधानी की स्थापना की। फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद 1664 में शाइस्ता खान को नियुक्त किया गया, जो कि मुगल संतलत को देख सके। वो 25 साल तक बंगाल का प्रभारी रहा। इसी दौरान राजा सीताराम राय के पिता उदय नारायण शाइस्ता खान के शासनकाल में राजस्व संग्रह अधिकारी के रूप में भूसड़ा आए। भूसड़ा जो राज था वही सीताराम राय का राज है। इससे पहले भूसड़ा एक कायस्थ राजा भुइयां मुकुंदम राय का राज्य था, जिसको बाद में मुगलों ने जीत लिया और भूसड़ा मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया था। भूसड़ा मधुमती नदी के तट पर एक सुंदर शहर था। यह इस क्षेत्र की राजधानी थी। यह बहुत ही समृद्ध शहर था। यह प्राचीन शहर अब मौजूद नहीं है। कुछ मंदिरों के खंडहरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि उदय नारायण के राज्य कार्य के लिए भूसड़ा में आवास था, लेकिन परिवार के लिए वो फरीदपुर जिले के बोलमारी उपजिला के गुनाबाहा यूनियन के हरिनगर में उनका अस्थायी निवास था। जिस समय राजा सीताराम राय के पिताजी भूसड़ा गए थे एक तहसीलदार के रूप में, उस समय भूसड़ा की स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ के लोग पुर्तगाली डाकुओं और समुद्री डाकुओं से त्रस्त थे। आए दिनों कुछ न कुछ बड़ा कांड होता रहता था। भूसड़ा वर्तमान में फरीदपुर जिले के मधुखली उपजिला मुख्यालय के कुछ दक्षिण में स्थित था। उस समय कोलकाता शहर का निर्माण नहीं हुआ था, कोलकाता नहीं बसा था। सीताराम राय स्थानीय युवकों के साथ भूसड़ा में मधुमती नदी में तैरने जाते थे। वे तैराकी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, लाठीबाजी में निपुण हो गए, क्योंकि उस समय शाही काम के लिए इतनी योग्यता जरूरी थी।
तो वर्धमान से आए राजा सीताराम राय खुद को भूसड़ा के माहौल के हिसाब से ढाल लिया था और धीरे धीरे उन्होंने अपने पिता के कार्य में सहायता करना शुरू कर दिया। भूसड़ा के बगल में सतई प्रगना था। मुगलों के आने से पहले इस क्षेत्र पर पठानों का कब्जा था। पठानों के सत्ता छोड़ने के बाद भी कुछ क्षेत्र अभी भी पठानों के नियंत्रण में था। इनमें सतई भी शामिल था जो कि एक पठान जागीरदार करीम खान के कब्जे में था और उसे अभी तक कोई हरा नहीं पाया था। मुगलों ने किसी भी कीमत पर सतई लेने का फैसला किया और जो शाइस्ता खान है, मुगल सेना में जो शाइस्ता खान था, उसने ऐलान किया कि जो भी साकिर के जागीरदार करीम खान को हरा देगा उसे उस परगना की जिम्मेदारी दी जाएगी, वहां उसको जागीरदार बना दिया जाएगा। तो ये जब ऐलान हुआ तो सीताराम आगे आए और उन्होंने मुगल सेना की सहायता से पठानों पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खान ने उन्हें हजारों पैदल सेना, घुड़सवार, सैनिक, तोप, बंदूक के साथ वहां भेजा। सीताराम के साथ उनके करीबी दोस्त मंत्रण तार मुनिराम राय और असीम शक्तिधर रघुराम घोष उर्फ मेहनती भी थे। करीम खान युद्ध में हार गया और मारा गया। इसके बाद मुगल शाइस्ता खान ने सीताराम को सातिर या नोल्दी परगना का जागीरदार नियुक्त किया। राजा सीताराम राय वह हरिनगर चले गए। इसके बाद जीतने के बाद ये लोग हरिनगर चले गए, उनके साथ उनके मित्र भी चले गए और वहां जाके उन्होंने सेना का गठन किया। तो जब ये सेना का गठन कर रहे थे उसमें शक्तिशाली लोग शामिल हुए। जल्दी एक विशाल सेना का गठन हो गया। उन्होंने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने का काम किया। वह लगातार समस्या का समाधान करते रहे। चोर और लुटेरे, पुर्तगाली डाकुओं, समुद्री डाकुओं को मार भगाया। अराकान के एक समुद्री डाकू धर्मदास ने मधुमती घई के जंक्शन खुल्लमपुर में एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और उसने अपनी जागीर की स्थापना की थी। राजा सीताराम राय ने उसे भी मार के भगा दिया। इन्हीं कारणों से उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। उस समय जब शासक के क्षेत्र में शांति और व्यवस्था अच्छी हो गई थी और सभी नागरिक सुख सुविधा से रहने लगे थे, तब आम लोग का वहां बसना चालू हुआ और वहां व्यापारी भी आने लगे व्यापार करने के लिए। राजा सीताराम राय की कुल 3 शादियां हुई थी। एक शादी उनकी बचपन में हो गई थी, दूसरी शादी उन्होंने जागीरदार बनने के बाद बीरभूम जिले के दासपालसा गांव की कुलीन कायस्थ सरल घोष की बेटी कमला से शादी की और तीसरी शादी वर्धमान जिले के पाटली गांव के कुलीन कायस्थ की बेटी से हुई थी। 3 पत्नियां होने के बावजूद उनका पहली पत्नी से कोई रिश्ता नहीं रहा था। 1686 में राजा सीताराम राय के पिता के स्वर्गवास के बाद सीताराम राय अपने मित्रों के साथ पिंडदान करने के लिए गया धाम गए और गया धाम से लौटने के बाद उन्होंने राजधानी एक सुरक्षित क्षेत्र में बनाई जो श्यामनगर बाजनी इलाके में स्थापित हुई थी। इसकी वजह यह थी कि पूर्व की ओर से मधुमती नदी, उत्तर पश्चिमी से बड़ा नदी और दक्षिण दिशा में राम सागर जैसा बड़ा जलाशय था, जिसके वजह से ये 3 तरफ से सुरक्षित था, जैसा कि आप चित्र में आपने देखा। अभी इस राजधानी का नाम उन्होंने मुहम्मदपुर रखा था। मुहम्मदपुर रखने का कारण ये था कि मुगलों से लड़ने के लिए वहाँ के लोकल मुस्लिम, जो मुस्लिम हो गए थे, वहाँ उनकी सहायता चाहिए थी। तो मुगलों से लड़ना अकेले हिंदू राजा के बस का बात नहीं था, इस मुस्लिमों की सहायता जरूरी थी। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिमों को अपने साथ मिलाया और राजधानी का नाम मुहम्मदपुर रखा था। राजा सीताराम राय जानते थे कि मुगल नौसेना बहुत कमजोर है। यही वजह है कि उन्होंने कुशल नौसेना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। सीताराम राय ने अपने शासन में सुशासन की स्थापना की थी। उनके शासन काल
की सीमाएं पवना तक, दक्षिण में सुंदरवन तक थी। उन्होंने जयसोर के जमींदार राजाओं को अपने अधीन कर अपने राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने 1686 में राजा की उपाधि ली, लेकिन 1699 में एक स्वतंत्र राजा की तरह जारी रहे। उन्होंने मुगलों को टैक्स लगाने से रोक दिया था। मुगल जो टैक्स वसूलते थे और दिल्ली भेजते थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने मजबूती से इसको रोक दिया। वह लगातार दिल्ली के पराधीनता से इनकार करते रहे। मुर्शिदाबाद के नवाब राजा सीताराम राय को हराने का और उन्हें खत्म करने का रास्ता ढूंढ रहा था। यह है राजा सीताराम राय का सोफा। राजा सीताराम राय काफी हद तक मुगलों को पछाड़ने में कामयाब रहे थे, लेकिन इनके ही एक रिश्तेदार राजा दयाराम, वो भी कायस्थ था और वो भी राजा था, उसकी धोखा की वजह से ये हार गए और मारे गए। तो जानते हैं इसमें, राजा सीताराम राय नटोरे के राजा दयाराम से संबंध थे। राजा दयाराम ने पहले तो राजा सीताराम राय का सहयोग करने की बात की, बोला कि मैं सहयोग करूंगा मुगलों के खिलाफ आपका, लेकिन बाद में उसने सीताराम राय को धोखा दे दिया और वो जो नवाब था उसके पक्ष में अपने सैनिकों के साथ हमला कर दिया। इस हमले में राजा सीताराम राय पकड़े गए, हार गए और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। तो ये है इतिहास। अगले वीडियो में हम इस गद्दार राजा दयाराम का भी इतिहास लाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। नमस्कार।